जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए शनिवार को नामांकन प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। अध्यक्ष पद के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से बसंती देव तथा कांग्रेस की ओर से वंदना ऐठानी ने नामांकन किया। उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी नवीन परिहार तथा भाजपा की ओर से भावना दोसाद ने नामांकन किया। भावना दोसाद ने भाजपा से बगावत कर जीत दर्ज की थी। इधर उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस ने अप्रत्याशित तरीके से नवीन परिहार को समर्थन देने की घोषणा की है। उपाध्यक्ष पदों पर दोनों दलों के स्टैंड से अध्यक्ष पद की दावेदारी दिलचस्प हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी रंजना राजगुरु व पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी ने नामांकन स्थल का जायजा लिया। सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। मैंने आज नामांकन किया है निर्दलीय के रूप में और मुझे अपनी जीत का पूरा भरोसा है और मुझे पूर्ण विश्वास है। जिस तरीके से मैं निर्दलीय यहाँ पर जीत के आया हूँ, उसी तरीके से मैं आशा रखता हूँ कि सभी जिला पंचायत सदस्यों का मुझे सहयोग मिलेगा। अब तो अधिकांश सदस्य जो हैं या तो कोई राजनीतिक दल से समर्थित हो गए, तो ऐसे में क्या उम्मीद है कि निर्दलीय को क्या संभावना बनती है? मुझे पूर्ण उम्मीद है, मैं निर्दलीय भी हूं, लेकिन मुझे सभी सदस्य लाइन से हटके वो क्या मतदान करेंगे? ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे उनके द्वारा मतदान किया जाएगा। जिला पंचायत में वंदना ऐठानी को कांग्रेस ने अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर नामांकन के लिए प्रस्ताव पारित किया था और उन्होंने अपना नामांकन दाखिल भी कर दिया है। और जहाँ तक उपाध्यक्ष में बात है, उपाध्यक्ष में हमारा समर्थन जो है छोटे भाई नवीन परिहार को और उसको पूरा समर्थन है। और जितने भी हमारे सम्मानित जिला पंचायत के सदस्य चुन के गए हैं, वो सब लोगों की एक राय है कि हम अपने छोटे भाई नवीन परिहार पर पूरा विश्वास रखेंगे। बागेश्वर ब्लॉक में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आरती टमटा और कपकोट में अर्जुन भट्ट को अधिकृत किया है। दोनों ने अपना नामांकन अभी कुछ देर पहले दोनों ब्लॉकों में कर दिया गया है और गरुड़ में भी हमारे भाई रंजीत राउत ने वहाँ पर नामांकन कर दिया है। कितने जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? पूर्ण आश्वस्त हैं। अगर आश्वस्त नहीं होते तो ये लोग रात रात भर लोगों को उठाकर गंतव्य स्थान तक पहुँचाने की कोशिश नहीं करते और उस हद तक चले जा रहे हैं। 2 महीने की बच्ची जिस माँ के गोद में है उसको भी जबरदस्ती उठा के जो है गोगिना से और दूसरी जगहों से उठा के इन्होंने वो अज्ञात स्थान पर रख दिया। तो भाई हम तो अपने जीत के प्रति आश्वस्त हैं और इस सदन में भी कह रहे हैं और जहाँ पर भी कहने पड़ेगा वहाँ पर भी कहेंगे, क्योंकि काम क्या है, जिला पंचायत अध्यक्ष ने काम कर रखे हैं, ब्लॉक प्रमुख हमारे जितने भी रहे हैं उन लोगों ने काम के प्रति पूरा काम किया, तो इसलिए हमको पूर्ण विश्वास है क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत इस समय हम दोनों तीनों जगह बनाएंगे और जिला पंचायत बनाएंगे। मैं आज अपने भारतीय जनता पार्टी के बलबूते पर और उनके कहने पर मैं जिला पंचायत अध्यक्ष की उम्मीदवारी की है, आज नामांकन कर दिया। मुझे आशा है कि अब मेरे पार्टी का हाथ मेरे ऊपर है तो मुझे जीत हासिल करूंगी और भारतीय जनता पार्टी के निर्देशों का पूरा पालन करूंगी। हमारे आज भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, अध्यक्ष में भी और उपाध्यक्ष में भी। भारतीय जनता पार्टी पूरे संगठित होकर इस चुनाव को लड़ रही है। हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता का जो आशीर्वाद मिला है भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के रूप में हमारे कार्यकर्ताओं को, उनके दम पर भारतीय जनता पार्टी दोनों पद पर बहुत अच्छी तरह से विजय प्राप्त करेगी। ब्लॉकों में भी हमारे तीनों जगह, हम तीनों ब्लॉकों को जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी से के कार्यकर्ता ने बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रखी है और सारे सदस्य जो हमारे निर्वाचित हैं वो सब एक साथ हैं, संगठित हैं और सबका सामूहिक और संगठित प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी तीनों ब्लॉकों को भी जीतेगी और जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को। हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के द्वारा बागेश्वर जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए हमारे जो श्रीमती बसंती देव है उनको पार्टी का प्रत्याशी बनाया था, उन्हीं के द्वारा आज अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है। और इसके अलावा उपाध्यक्ष के लिए भावना दोसाद को जो है भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो है उपाध्यक्ष का प्रत्याशी बनाया था, उन्हीं के द्वारा जो है नामांकन किया गया। जीत का हमारे पूरा ही भरोसा है। जैसा कि बहुमत के लिए जो संख्या है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पर्याप्त है और निश्चित रूप से हम आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में जो भी रिजल्ट आएगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। हम पूर्ण बहुमत के साथ में जिला पंचायत और तीनों ब्लॉकों में जीतेंगे। सर, तो सर्वप्रथम तो मैं कांग्रेस परिवार का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझ पर अपना भरोसा जताया है और मैं उनकी हर उम्मीदों पर वो खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगी। और
वो तो मतदान के बाद मतदान के बाद आप सभी के बीच जो भी चीजें होंगी वो सामने आ ही जाएंगी जी। अच्छा, छोटा सा चुनाव होता है, ये पब्लिक का चुनाव तो है नहीं, उसके बाद जीत के आ गए, इस चुनाव के लिए कितनी आपको विश्वास है, कितना भरोसा आपको? देखिए, बाबा बागनाथ जी और माँ चंडिका का आशीर्वाद और आप सभी का सहयोग रहेगा तो हमें अवश्य सफलता मिलेगी। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।